पंजाब विच मौसम ने फिर तबाही मचाई है। पिछले 3-4 दिनों तो रुक रुक के पै रहे मीह तो बाद सोमवार दोपहर समय पए गड़िया मीह ते तेज हवावां ने खेतां विच तैयार खड़ी हाड़ी दी फसल डेग दित्ती है। पटियाला ते मोगा समेत कई थावां उत्ते गड़े पैण दीआं रिपोर्टां ने इन्हां इलाकिआं विच कणक दी फसल दा ज़्यादा नुकसान होण दा खदशा है। उधर भारी मीह करके खेत पानी विच डुब गए ने ते तेज हवावां करके तैयार खड़ीआं फसलां वी डिग गईआं ने। मौसम विभाग मुताबक पंजाब विच 21 ते 22 मार्च नूं हल्का ते 23 ते 24 मार्च नूं भारी मीह पैण दी पेशिनगोई कीती गई है। इस दे नाल ही 40 तों 50 किलोमीटर प्रति घंटे दी रफ्तार नाल हवावां चल सकदियां ने। दस दिए कि पंजाब ते हरियाणा विच कणक दी फसल तैयार होण पूरे कंडे पहुंच चुकी है। इस समय मीह ते तेज हवावां करके पक्की हुई फसल हेठां डिग गई है। इस नाल कणक दा दाणा सुंगड़ जाएगा ते फसल दे झाड़ ते भी असर वेखण नूं मिलेगा। तेज़ मीह पैण करके खेत पानी विच डुब गए ने जो फसल लई नुकसानदायक साबित होवेगा। मीह दा फल ते सब्जियां दी फसल ते भी असर पवेगा। मौसम विभाग अनुसार पंजाब दे पटियाला शहर विच सब तों वध 28 mm मीह पिया। इसे तरह राजधानी चंडीगढ़ विच 18.5 mm, मोहाली, अमृतसर, लुधियाणा, जलंधर, पठानकोट, बरनाला ते फिरोजपुर सने सूबे दे होरना इलाकियां च वी भारी मीह पिया। हरियाणा दे अंबाला च सब तों वध 38.8 mm, रोहतक च 22 mm, सोनीपत च 26, करनाल च 14, गुरुग्राम च 13, महेंद्रगढ़ च 17 mm मीह पिया। मीह ते ठंडियां हवावां चलन करके दोवां सूबियां च तापमान भी आम नालों 2-3 डिग्री सैलसीयस हेठां डिग गया। उत्थे ही दूजे पासे पंजाब दे खेतीबाड़ी विभाग दे डायरैक्टर दा कहना है कि मीह पैण करके विभाग ने जिला ते ब्लॉक पद्धर ते टीमां दा गठन कर दिता है जिन्हां वल्लों फसल दे नुकसान दी रिपोर्ट तैयार कीती जा रही है। उन्हां ने किसानां नूं अपील कीती है कि खेतां विच पानी खड़ा ना होण दित्ता जावे ते ना ही खेतां दे विच खाद दी वरतों कीती जावे। ब्यूरो रिपोर्ट, एवी न्यूज़ पंजाबी। देश दुनिया दीआं नवीआं ते ताज़ीआं तरीन खबरां लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते बैल आइकन ते क्लिक जरूर करो।